आई होप कि आप अच्छे होगे। तो गाइज आप यहाँ पे देखोगे तो आपके बटन देखने को मिलते हैं, आपको बैक, होम, रिसेंट, टास्क वाले। इन बटन को आप अपने फोन के अंदर कैसे हाइड कर सकते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में आप जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बट गाइज आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे की तरफ आना है। जैसे ही गाइस आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो गाइस यहाँ पे आपको सिस्टम का एक ऑप्शन मिलेगा, तो सिस्टम पे आपको क्लिक कर लेना है। सिस्टम पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थ्री फिंगर जेस्चर पे, जहाँ पे इस पे क्लिक करना है, जेस्चर जो आपका सिस्टम नेविगेशन है, थ्री फिंगर इस पे आपको क्लिक करना है। ओके गाइस इस पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आप चाहें तो पहले तो लेफ्ट और राइट हैंड की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट हैंड की तरफ आपका बैक बटन आ जाता है, यहाँ से आपका लेफ्ट हैंड की तरफ बैक बटन आ जाता है। बट गाइस यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जेस्चर नेविगेशन पे, जस्ट नेविगेशन पे जैसे भी क्लिक करता हूँ आप जादू देखेंगे, आपके बटन जो यहाँ से गायब हो जाते हैं। ओके गाइस तो यहाँ से आपका बटन जो है बिल्कुल गायब हो चुका है। यहाँ पे आपको एक लाइन देखने को मिलती है, अगर आप इसको भी हाइड करना चाहते हैं तो हाइड बॉटम बार पे क्लिक करेंगे, आपका बॉटम बार भी हाइड हो जाता है। इसको कैसे यूज करना है चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपल सा अगर बैक करना है तो आप इस तरीके से बैक जा सकते हैं, और आपको बैक करना है तो आप इस तरीके से बैक जा सकते हैं। आपको रिसेंट टास्क में जाना है तो आप ऐसे करके गाइस रिसेंट टास्क में जा सकते हैं, ठीक है। और आपको होम आना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब कैसे करना है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।